जय हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स, वो भी एक सर्किट में जो कि आपने देखा होगा मदरबोर्ड्स में जो वोल्टेज रेगुलेटर्स लगे रहते हैं, जैसे 7, 8 और 7, 9 सीरीज के। तो इन दोनों सीरीज के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर्स असली में होते क्या है, उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं और उनके दो मेन जो रेंज के टाइप्स हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में इसे आराम से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर बेसिक्स में अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर असली में होते क्या हैं। तो हम लोग को ये जानना है कि वोल्टेज रेगुलेटर असली में होते क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास 12 वोल्ट है पर आप उसको 5 वोल्ट के किसी अप्लायंस में यूज करना चाहते हैं डीसी में, तो इस समय अगर आपको अब उससे कम करना है तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस, अगर उस पावर का आपका एम्पियर ज्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रेजिस्टेंस हीट हो जाए बहुत ज्यादा, तो कोई किसी के भी छूने से उसका मतलब कि हाथ जल सकता है या फिर इंजरीज हो सकती है। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि उसे डायरेक्टली हम लोग 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम वोल्टेज रेगुलेटर्स के द्वारा करते हैं कि वो एक फिक्स्ड वोल्टेज, हम इनपुट में चाहे उनको कितना भी वोल्टेज देते हैं पर वो आउटपुट में फिक्स्ड वोल्टेज ही देते हैं। जैसे सबसे पहले हम नॉर्मल 7, 8 सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो 7, 8 सीरीज में दोस्तों 5 टाइप के आपको वोल्टेज रेगुलेटर्स मिलते हैं। जो सबसे पहले 7805, 7809, 7812, 7815 और 7818 आपको, ये पांचों जो कि हैं आपको वोल्टेज रेगुलेटर उसमें मिलते हैं। तो आप इन पांचों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो और सबसे बेसिक बात यह है कि आपको इनको इनपुट जो है इनके आउटपुट वोल्टेज, मतलब जैसे अगर कोई 18 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है तो आपको हमेशा उससे ऊपर का वोल्टेज देना होगा, वरना अगर आप उससे नीचे का वोल्टेज देंगे तो वो अपने पर्टिकुलर जो उसका कट ऑफ है कि उसके बाद वो उतना वोल्टेज नहीं देगा, तो वो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको वोल्टेज, आपके एक्सपेक्टिंग वोल्टेज थोड़ा कम मिलेगा और इसी क्योंकि वो हीट डिसिपेट ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये होता है कि जो आपका एक्सटर्नल वोल्टेज है, जैसे मतलब कि 12 वोल्ट में से अगर मैंने 5 वोल्ट अपने यूज़ के लिए ले लिया तो बाकी का 7 वोल्ट कहाँ चला जाएगा, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बाकी का 7 वोल्ट अगर आप देख रहे होंगे तो पीछे साइड एक मेटालिक वोल्टेज रेगुलेटर के साइड पीछे पिछले साइड एक मेटालिक शीट होती है, उस मेटालिक शीट पे जो हमारा रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। डिसिपेट हो जाने का मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्लेट पे रिलीज हो जाती है। और जब भी हवा, मतलब हवा तो नॉर्मली फ्लो करती है, और हवा जब फ्लो करती है तो उस हीट को धीमे धीमे मतलब उस मेटल को कूल डाउन कर देती है। तो हमारा क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा हीट के फॉर्म में होता है वो हमारा एयर में डिसिपेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ जितना वोल्टेज चाहिए होता है हमें सिर्फ उतना ही मिलता है, और बाकी जितना भी वोल्टेज होता है वो मतलब हीट डिसिपेट हो जाती है मेटल के, मेटल शीट से पीछे। तो ऐसे ही हर 5 टाइप, ये सारे पांचों 7, 8 सीरीज के सारे वोल्टेज रेगुलेटर्स के साथ ऐसा ही होता है और हर रेगुलेटर के साथ ऐसा होता है। तो 7, 8 एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 7, 8 सीरीज और 7, 9 सीरीज, तो आपने देखा होगा कि वोल्टेज दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव वोल्टेज है, मतलब उसका डायरेक्शन जो कि हमारा, अगर हम लोग एक ग्राफ लेते हैं तो वो पॉजिटिव साइड में जाता है एक्स के, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के सॉरी। और अगर हम लोग इसी तरह वोल्टेज को नेगेटिव लेते हैं तो इसका मतलब माइनस वाई एक्सिस में हमारा जो कि है वोल्टेज वो शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ टाइम, मतलब वोल्टेज टाइम ग्राफ में अगर हम लोग देखते हैं इसको तो हम लोग को ऐसा दिखता है कि जो नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव वोल्टेज हम लोग को आउटपुट सिर्फ 7, 8 सीरीज से मिलता है और 7, 9 सीरीज से हम लोग को नेगेटिव आउटपुट मिलता है, मतलब कि हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव वोल्टेज के साथ जब हम काम करते हैं तो उसको यूज करते हैं। जैसे नेगेटिव वोल्टेज इन द सेंस, आपने कुछ आईसीज में देखा होगा जहां पे उनकी पिंस में लिखा होता है -VCC या फिर जो कि माइनस, जो कि आपको जहाँ पे -5 वोल्ट देना हो तो ऐसे करके जहाँ पे लिखा होता है तो वहाँ पे हम लोग ये वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को 5 टाइप के रेगुलेटर मिलते हैं, जैसे 7905, 7909, 7912, 7918 और 7915।
तो ये पांच टाइप के सारे 7-9 सीरीज के रेगुलेटर्स हैं, तो इनका भी वही काम है कि ये अगर आप इनके एक्सेस वोल्टेज देते हैं तो ये सारा हीट में डिसिपेट करके आपको जितनी उनका कट ऑफ होता है सिर्फ उतना ही वोल्टेज आपको मिलता है। तो इससे एक स्पेसिफिकेशन हमें ये मिलता है कि हमें जितना नीड होता है उसी के हिसाब से हम लोग को वोल्टेज मिलता हुआ, ये नहीं कि हम लोग को ज्यादा या कम मिलता है जिसकी वजह से हमारा अप्लायंस खराब हो सकता है। तो इस वजह में हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग उसका प्रैक्टिकल यूज क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूज क्या क्या हो सकता है और हम लोग इसे अपने नॉर्मल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ सर्किट्स। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन क्या है और हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर्स का क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसे ब्रेकबोर्ड में आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं नॉर्मल सर्किट्स में। जैसे आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, आपको कोई एलईडी जलानी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 7805 का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी गैलरी में से। और क्या कर सकते हैं कि उसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट देंगे और हम लोग उसमें कॉमन हमारी ग्राउंड रखेंगे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल, और फिर उसके बाद आउटपुट से हम लोग 5 वोल्ट लेने के बाद एकदम आराम से 220 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उसको लगाने के बाद हम लोग उसका पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी का इसमें कनेक्ट कर देंगे और रजिस्टर के एंड में, और फिर उसके बाद हम लोग नेगेटिव को कॉमन जब कनेक्ट कर देंगे तो हमारी आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में जो हमारा सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी एलईडी आराम से चलेगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में हम लोग ऐसे डिफरेंट आप इससे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप ये तो मैंने एक नॉर्मल बेसिक्स दिया कि आपने ब्रेडबोर्ड के साथ इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरी क्रिएटिविटी नहीं है, आपको अपने तरीके से इस्तेमाल करनी होगी, आपको अपने तरीके से सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो ये था हम कि हम लोग कैसे वोल्टेज रेगुलेटर्स को अपने लाइफ में नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा था वीडियो। और अगर आपको ऐसे फ्यूचर वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पे। और अगर आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानना है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पे फॉलो कीजिएगा जाके। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।